चैप्टर 8 का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम देखेंगे थिन फिल्म्स में कैसे इंटरफेरेंस होती है, न्यूटन्स रिंग्स पढ़ेंगे, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर और पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक स्क्रीन के ऊपर हमें पैटर्न नजर आया डार्क और लाइट फ्रिंजेस का, जब हमने एक लाइट सोर्स के आगे दो स्लिट्स रखी जिनमें से वेव्स निकल के आपस में इंटरफेयर कर रही थी और स्क्रीन पर पड़ी थी। इस पैटर्न को बेसिकली डायफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं क्योंकि ये डायफ्रेक्शन की वजह से वजूद में आया, चूंकि ये लाइट लाइट डायफ्रेक्ट कर रही थी, अगर ये डायफ्रेक्ट ना करती तो इंटरफेरेंस ना होती, इंटरफेरेंस ना होती तो ये पैटर्न ना बनता, इसलिए इसको डायफ्रेक्शन पैटर्न कहते हैं। और ये हमें नेचर में और मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर नज़र आता है, मसलन सोप बबल्स के ऊपर हमें कभी कभी रेनबो की शक्ल में डायफ्रेक्शन पैटर्न नज़र आता है, स्ट्रिप्स नज़र आती हैं। इसके अलावा पानी की सतह पे अगर तेल पड़ा हो तो उसके अंदर भी हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न नज़र आता है। इसके अलावा मोर के पर में डायफ्रेक्शन पैटर्न हमें नज़र आता है, मोर का जो पर होता है उसमें यूँ स्ट्रिप्स होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो थिन फिल्म्स होती हैं, पतली सर्फेसेज होती हैं, इनके ऊपर डायफ्रेक्शन पैटर्न हमें क्यों नज़र आता है, थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होती है और डायफ्रेक्शन पैटर्न हमें क्यों नज़र आता है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक थिन फिल्म है, ये पानी की सतह पे पड़ा हुआ तेल भी हो सकता है या ये सोप बबल की सरफेस भी हो सकती है, कोई भी जो थिन फिल्म होती है, ये सब अज्यूम करें कि ये स्ट्रेट लाइंस हैं। दो इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो कुछ लाइट ऊपर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर जाती है और फिर नीचे वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर आती है। हाइजेंस प्रिंसिपल के मुताबिक ये ऊपर वाली सरफेस के ऊपर ये दोनों जो लाइट डायरेक्टली वापस आ रही है और जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, ये दोनों एज सेकेंडरी वेव सोर्सेज एक्ट करते हैं और वेवलेट्स इमिट करते हैं। ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करते हैं और फिर इस दूसरी वाली सरफेस के ऊपर हमें इस इंटरफेरेंस के नतीजे में डार्क और लाइट फ्रिंजेस नजर आती हैं या डायफ्रेक्शन पैटर्न नजर आता है। न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के नीचे एक प्लेन सरफेस पड़ी हुई हो और कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर हमें पैटर्न नजर आए, एक सेंटर में सर्कल और उसके गिर्द लाइनें हो, ऐसे पैटर्न को हम न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। नेचुरली कई दफ़ा बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, उसके ऊपर हो सकता है यूं करके एक सरफेस हो, उसके ऊपर एक शीशा हो, तो अगर बारिश वगैरह होती है तो हमें फिर उसके ऊपर न्यूटन्स रिंग्स नज़र आ रहे होते हैं। इनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, न्यूटन्स रिंग्स क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि जब एक कॉन्वेक्स लेंस के नीचे एक प्लेन ग्लास सरफेस होती है तो इन दोनों के बीच में एक थिन फिल्म बन जाती है, मगर वो थिन फिल्म एयर की होती है और जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि थिन फिल्म्स के अंदर इंटरफेरेंस होती है, थिन फिल्म की जो जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, समझो ये लेंस है, जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, किसी भी थिन फिल्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो एक वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है उस फिल्म की ऊपर वाली सर्फेस से और एक लाइट वो जो होती है जो नीचे जाती है, नीचे वाली सर्फेस तक जाती है और फिर नीचे वाली सर्फेस से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर आती है। अब जो ऊपर वाली सर्फेस से रिफ्लेक्ट हो गई थी और जो नीचे वाली सर्फेस से होके ऊपर आई थी, दोनों इस ये जो ऊपर वाली सर्फेस है इसके ऊपर दोनों सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं वेवलेट्स के और वेवलेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करते हैं और हमारे पास, अगर हम इस सर्फेस को देखें, ऊपर वाली सर्फेस को ऊपर से देखें, तो हमें डायफ्रेक्शन पैटर्न नज़र आता है। जब ये कॉन्वेक्स लेंस हमने रखा हुआ है तो उसकी वजह से हमें कैसा पैटर्न नज़र आ रहा है, लेंस जो होता है वो बीच में से थिक होता है और साइडों से उसकी फिर थिकनेस कम थिकनेस कम होती जाती है, तो एयर फिल्म की थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी, तो थिकनेस जब चेंज होगी तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, उसका पाथ डिफरेंस चेंज होगा जिसकी वजह से इंटरफेरेंस के नतीजे में जो इंटेंसिटी बनती है लाइट की वो चेंज होगी। तो सेंटर में जीरो पाथ थिकनेस जीरो है तो सेंटर में इंटरफेरेंस नहीं होगी, सेंटर में हमें एक डार्क स्पॉट नजर आएगा और उसके गिर्द हमें रिंग्स नजर आएंगे जो कि एंड पे जात के फेड आउट हो जाएंगे। इंटरफेरोमीटर से मुराद है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि हमें लेंथ की मेजरमेंट्स करके देती है, लेंथ मेजर करके देती है, और वो क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी होती है, लाइट की इंटरफेरेंस को इस्तेमाल करते हुए हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। ये डिवाइस एक साइंटिस्ट ने बनाई जिसका नाम माइकलसन था, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम एक लाइट सोर्स लेते हैं और इस लाइट सोर्स के सामने हम एक मिरर रखते हैं जो कि पार्शियल मिरर है, पार्शियली रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को और पार्शियली आगे गुजरने देता है, तो कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट होके
इस डायरेक्शन में चला जाता है। यहाँ पर सामने हमारे एक मिरर होता है, इसको हम L1 कहते हैं, और लाइट का बकिया हिस्सा इस मिरर में से गुजर के सामने एक और मिरर लगा होता है L2, उस तक चला जाता है। अब इन दोनों रेज के साथ क्या होता है, जो ब्लू रे है वो ऊपर जाती है पहले और फिर वापस नीचे आती है, और इस मिरर में से, चूंकि ये इस मिरर में से कुछ लाइट गुजर जाती है वापस आती है, यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वर की आंख है, यहाँ पर टेलीस्कोप का मुंह है, यहाँ पे एक लाइट ये ब्लू वाली रे का एक हिस्सा आता है, और जो येलो वाली रे है वो आगे सफर करती है और फिर यहाँ से वापस आती है, और वापस वापसी पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके येलो वाली रेज आंख में आती है। अब ये दोनों रेज, ब्लू वाली रे और येलो वाली रे, मुख्तलिफ सफर तय करती हैं, मुख्तलिफ डिस्टेंस कवर करती हैं। तो वेवलेंथ एक डिस्टेंस कवर करी होती है, तो उसकी एक, जब वो एक जितना डिस्टेंस कवर करती हैं तो वो दोनों वेव्स हमेशा इन फेज रहती हैं, मगर एक ने अगर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है तो उसका फेज डिफरेंस मुख्तलिफ होगा। तो ये दोनों रेज आपस में इन फेज नहीं रहती, और ये हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये दोनों वेवलेट्स का सोर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, इनके जो भी वेव फ्रंट्स होते हैं, और उसकी वजह से अगर हम इधर वेव फ्रंट लें, कहीं पर भी हम वेव फ्रंट ले सकते हैं, तो ये वेवलेट्स के सोर्सेस के तौर पे एक्ट करेंगी, सेकेंडरी सोर्सेस, और इन दोनों रेज की आपस में इंटरफेरेंस होगी, और जो ऑब्जर्वर है उसको डिफ्रेक्शन पैटर्न नजर आएगा, उसको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आएंगी। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये जो L1 वाला मिरर है इसके साथ मेरी कोई स्क्रू होता है या कोई डिवाइस होती है कि मैं इसको हाथ से पकड़ के आगे पीछे कर सकती हूँ, जब मैं इसको हाफ वेवलेंथ λ/2 आगे करती हूँ तो लाइट रे जाती है, हाफ लेंथ एक्स्ट्रा सफर करती है और फिर हाफ वेवलेंथ वापस आती है, तो एक पूरा लेमडा का डिफरेंस आ जाता है, एक पूरा लेमडा वेवलेंथ वो ज़्यादा सफर करती है, तो दोनों वेव्स के बीच में एक लेमडा का डिफरेंस और आ जाता है, जिसकी वजह से एक जो फ्रिंज पैटर्न है, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है इनके बीच में, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रही है वहाँ पे डार्क फ्रिंज आ रही है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर जब ये आउट ऑफ फेज हो जाती हैं तो क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब एक पूरे वेवलेंथ का डिफरेंस आ गया इसके अंदर, तो ये सारी वेव्स हमें एक एक्स्ट्रा फ्रिंज नजर आएगी और हमारी वेव फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, तो उसकी वजह से हम अगर सिर्फ फ्रिंजेस को काउंट करें तो हमारी जब एक फ्रिंज, ये सारी वेव्स एक फ्रिंज आगे मूव कर गई, तो हमें पता चल जाएगा कि λ/2 का डिफरेंस आ गया है पाथ में। इस की मदद से मैं अगर इस मिरर के साथ कोई चीज़ रख के मेजर करूं, इस मिरर को इधर से लेके इधर तक मैं लेके जाऊं और फिर मैं देखूंगी कितनी फ्रिंजेस आगे गई हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वेवलेंथ के हिसाब से इस चीज़ की लेंथ कितनी है। इसकी मदद से, चूंकि मैं वेवलेंथ के लेवल पे जा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी और एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकती हूँ। एक चीज़, ये जो हमने मिरर रखा था, इसकी वजह से जब मिरर में से कोई चीज़ गुजरती है तो उसके अंदर एक फेज शिफ्ट आ जाता है, तो इस पहले वाले मिरर में से लाइट एक दफ़ा गुजरती है, ऊपर जाती है, फिर वापस आती है, तो इस वाले मिरर में से ज़्यादा दफ़ा गुजरती है, और जो लाइट येलो वाली रे है वो उसके अंदर, ये इस मिरर की वजह से जो फेज शिफ्ट आया था वो नहीं आ रहा। हम नहीं चाहते कि मिरर वाला फेज शिफ्ट हमारी मेजरमेंट्स को अफेक्ट करे, हम सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से फेज शिफ्ट चाहते हैं। जो ब्लू वाली रे की जो टोटल पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो येलो वाली की पाथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी वजह से सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वेवलेंथ का डिफरेंस आया है वो आए, और शीशे में से गुजरने की वजह से ना आए। तो हम यहाँ पर एक कॉम्पनसेटिंग मिरर लगा देते हैं, तो लाइट जितना ब्लू वाली रे शीशे में से एक्स्ट्रा सफर करती थी वो फिर इधर एक शीशा लगा देते हैं, इसको कॉम्पनसेटिंग मिरर कहते हैं, फिर इसमें से भी जब ये येलो लाइट सफर कर लेती है तो उसके अंदर जो फेज डिफरेंस आया था, क्योंकि किसी आप दूसरे मीडियम में आते हैं तो थोड़ा सा फेज शिफ्ट आ जाता है, वो वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा और हमारी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगी। हमें पता है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट अगर ये है तो उसके जो वाइब्रेशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो इसके परपेंडिकुलर होती हैं, मगर इसके परपेंडिकुलर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन की तरफ, या उनके बीच में किसी भी डायरेक्शन में। नॉर्मल लाइट हर बाकी सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती है। अगर हम इसको पोलराइज करना चाहते हैं, पोलराइजेशन का मतलब है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन की वाइब्रेशंस रहने दें और बाकी सबको हम किसी तरीके से ख़त्म कर दें। ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनमें से अगर आप लाइट को गुजारें, इन मटेरियल्स को पोलराइड मटेरियल्स कहते हैं, जो भी स्पेलिंग्स होते हैं, पोलरॉइड
पोलरॉइड, POLAROID, पोलराइड मटेरियल्स। इनमें से अगर हम लाइट को गुजारें तो वो बाकी सब डायरेक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी इस इन सब डायरेक्शंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये हमें फिर नज़र नहीं आएंगी, इनको वो जज़ब कर लेंगे और सिर्फ एक पोलराइजेशन को वो रहने देंगे। तो इस पोलराइड मटेरियल से जो लाइट गुजरेगी वो, उसको हम कहेंगे पोलराइज लाइट, और उसकी वाइब्रेशंस जो ट्रांसवर्स हैं वो सिर्फ एक खास डायरेक्शन में होंगी। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल सनग्लासेस के अंदर कई दफ़ा पोलराइड ग्लास ग्लास उन्होंने लगाया होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है, स्पेशली बीचेस के ऊपर, बीचेस के ऊपर जो समंदर से लहरें लाइट वेव्स टकराती हैं वो अक्सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो जाती हैं नेचुरली। तो अगर आप ऐसी सनग्लासेस पहने जो वर्टिकल रेज वाली लाइट को गुजरने दें तो आपकी आंखों के अंदर सूरज की बहुत कम किरणें जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर किरणें जो हैं वो समंदर की सतह से टकरा के हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो जाती हैं, और आपने वर्टिकल पोलराइजेशन वाली ग्लासेस पहनी हुई है जो सिर्फ वर्टिकल पोलराइजेशन वाली लाइट को गुजरने देती हैं, तो ये इस तरह की सनग्लासेस आपकी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, जो लाइट की पोलराइजेशन को रोटेट कर देते हैं। मसलन अगर ये लाइट जो इस डायरेक्शन में पोलराइज्ड है, इसको मैं एक खास क्रिस्टल में से गुजारूं जिनको हम ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल कहते हैं, एक्टिव यानी वो लाइट को चेंज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि इस पोलराइजेशन को का एंगल चेंज कर देते हैं। अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये मुझे यूं पोलराइजेशन नजर आ रही थी, इस क्रिस्टल में से गुजरने के बाद इसकी पोलराइजेशन एक एंगल के ऊपर चेंज हो जाएगी। इसकी एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन में होती हैं, आजकल ऑल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होती है, उसमें हम लाइट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल चीज़ों से, उसमें हम इलेक्ट्रिकल डोमेन में नहीं जाना चाहते, तो हम इस तरह के क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, हम लाइट की पोलराइजेशन चेंज करके उसके अंदर इंफॉर्मेशन कोड कर सकते हैं। न्यूटन ने अपनी पार्टिकल थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, के लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है, किस बेसिस पे पेश की? न्यूटन रिंग्स को देख के, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट का मतलब है लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में सफर करती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट लाइन में सफर करती है मगर लाइट डिस्पर्स होती है, अगर आप एक टॉर्च ऑन करते हैं तो टॉर्च में से लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगी पर डिस्पर्स हो जाएगी, फैल जाएगी। या फिर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एक फिनोमेना है जो कि होता ही वेव्स में, वेव्स जो ट्रांसवर्स वेव होती है उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, और उस वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हो रही होती हैं पार्टिकल्स की, और एक खास वाइब्रेशन को हम एक पोलराइजेशन कहते हैं, ये वेव्स में होती है, इससे वेव नेचर प्रूव होती है, पार्टिकल नेचर प्रूव नहीं होती। इसको देख के न्यूटन ने नहीं कहा, न्यूटन रिंग्स को देख के न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी नहीं दी, न्यूटन रिंग एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है, उसको एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली उसने किया। डिस्पर्शन को देख के आप नहीं कह सकते कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, न्यूटन ने कहा कि लाइट चूंकि एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा सफर करती है इसलिए यकीनन पार्टिकल्स होंगे जो एक के पीछे दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में सफर कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे न्यूटन ने कहा कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है, जो कि अब बाद में प्रूव हुआ कि सही नहीं है, लाइट मुकम्मल तौर पर एक पार्टिकल की तरह एक्ट नहीं करती, लाइट वेव्स की तरह भी एक्ट करती है। प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टिकल एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी लाइट जो बेंड हो जाती है ऑब्स्टिकल के अराउंड या एक स्लिट में से गुजरती है तो स्प्रेड आउट हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? हमें पता है इसको डायफ्रेक्शन कहते हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने डायफ्रेक्शन पढ़ा है। पोलराइजेशन कुछ और होता है, मैंने अभी पिछली साइड में एक्सप्लेन किया। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि लाइट को पैकेट्स में डिवाइड करना, ये नहीं होता बेंडिंग। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बेंडिंग की वजह से इंटरफेरेंस होती है मगर इंटरफेरेंस का सिंपली मतलब होता है कि दो लाइट दो सोर्सेज से जो वेव्स निकल रहे हैं उनकी एक ही फ्रीक्वेंसी है, वो एक ही सोर्स एक ही डायरेक्शन से आ रहे हैं तो वो आपस में इंटरफेयर कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली, तो हमारे पास एक तीसरा नया पैटर्न बन जाता है वेव्स का इंटरफेरेंस के नतीजे में, मगर ये इसका बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होती इंटरफेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर? ट्रांसवर्स का मतलब है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है और लाइट वेव की वाइब्रेशंस इसके परपेंडिकुलर होती हैं। क्या ये डायफ्रेक्शन से प्रूव होता है? क्या डायफ्रेक्शन से ये प्रूव होता है? डायफ्रेक्शन तो का तो मतलब है कि लाइट बेंड हो रही है, इससे एज सच प्रूव नहीं होता। रिफ्रेक्शन से भी प्रूव नहीं होता, रिफ्रेक्शन से हम ये नहीं कह सकते कि लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। पोलराइजेशन से प्रूव होता है क्योंकि पोलराइजेशन सिर्फ हम तब किसी मटेरियल में हो सकती है जब वो ट्रांसवर्स हो, ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है। इसके रास्ते में अगर मैं कोई ऐसी चीज रख दूं जो इसकी एक खास पोलराइजेशन को गुजरने दे और दूसरी को ना गुजरने दे तो ये लाइट पोलराइज हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता, तो लाइट वेव्स पोलराइज होती हैं, इस वजह से लाइट वेव्स हमें पता है कि ट्रांसवर्स हैं। इंटरफेरेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी हो जाती है, जैसे साउंड वेव्स इंटरफेयर करती हैं।